हजरत हुसैन से अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने लिखा शैतान दो बुराइयां पैदा किया। पहली बुराई ये पैदा किया हजरत हुसैन के मरने पर रंज, गम, मनहूस, खैर बरकतों से खाली दिन बनाया गया। हजरत हुसैन के जो दुश्मन थे वो लोग क्या किए, रंज खुशी का दिन बनाए। क्या बनाए, मुहर्रम की 10 तारीख को अच्छा पकाना, अच्छा खिलाना, अच्छा पिलाना, तो क्या होगा, तुम्हारे साल भर के गुनाह माफ होते, पूरे साल तुम्हारे को बरकत हो रही। दो चीजें आई वहां, जरा गौर करने की बात है। पहली बात मातम, अब देखिए आइए मातम किसे बोलते हैं। अगर कोई गम आए, कोई तकलीफ अगर आ गए तो रोना। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो आदमी मन शक्कल जुयूब, जो आदमी रो रहा गम है, रोने में चीख के रोकना, पुकार के रोना, कपड़े फाड़ लेना, सीने पे मार लेना, अल्लाह के नबी ने इसे मना किया। और गम हो गया तो बाज लोग क्या करते, पूरे मोटे मार डालते, पूरे सर के बाला वगैरह सब निकाल डालते, क्या बोलते, गम बताने के वास्ते। अल्लाह के नबी ने मना किया। और अल्लाह के नबी ने बताया किसी के खानदान में ऐब लगाना, किसी के खानदान में फखर करना, कोई गम अगर हुआ तो चीख के रोना पलाना, ये इस्लाम में बिल्कुल गलत है।